airport. और बहुत टाइम बाद मुझे इतना बिजी एयरपोर्ट मिला है, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है कि आई कांट इवन टेल यू। एनीवे और मॉर्निंग फ्लाइट है, मॉर्निंग फ्लाइट का ये हाल है कि इतनी भीड़ है। सो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमारी 8 बजे की फ़्लाइट है, ठीक 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद यहाँ से जयपुर पहुंच के हम बताते हैं कि क्या करने वाले, क्या एक्साइटिंग होने वाला है। पर्दा खोल दो, एक बार चप्पल खोल दो। सो दिस इज आवर रूम एंड दिस इज ह्यूज बाथरूम। इट्स ह्यूज, सो बिग। चलिए आज शाम से रिहर्सल स्टार्ट होने वाली है, लगभग 4 बजे के आसपास हमारा टेक्निकल रिहर्सल स्टार्ट होगा। देखो
लगभग 4 बजे के आसपास हमारी टेक्निकल रिहर्सल जो है वो स्टार्ट होगी। उसके पहले हम लोग जरा कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं और फिर रिहर्सल के लिए जाएंगे। एक्चुअली जितने भी यू नो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो थोड़े से अपसेट हो गए हैं क्योंकि जयपुर में बारिश हो रही है, हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो पूरा इवेंट है वो आउटडोर इवेंट है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बोल रहे कि यू नो इतना खर्चा किया है इतना, लेकिन वेदर सो एवरीबॉडी इज जस्ट सो अपसेट। बट होपफुली बारिश रुक जाएगी और इवेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। शाम को रिहर्सल्स हैं तो चलिए थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, फिर जाएंगे रिहर्सल के लिए। एक्चुअली जब कैप्टन ने बोला यू नो कि जयपुर में बारिश हो रही है, तो आई वाज सरप्राइज क्योंकि इस टाइम पे बारिश जयपुर में बहुत कम होती है, लेकिन हम मुंबई वाले जहाँ भी जाते हैं बारिश को साथ ले जाते हैं, तो बारिश को साथ लिया। लेकिन इस बार ये इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं बहुत परेशान थे, मुझे नीचे मिले थे, वो बोल रहे थे कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश हो जाएगी और सब तैयारियां हो चुकी है, एवरीथिंग इज जस्ट रेडी और अभी सुबह से बारिश हो रही है। हमें बड़ा डर लग रहा है कि कल बारिश ना हो, तो होपफुली आज बारिश होगी, कल बारिश नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए कल बारिश। क्या देख रहे हो बेटा बाहर, बाहर क्या देख रहे हो, क्या देख रहे है बाहर? शाम हो चुकी है और क्योंकि आज पूरे दिन बारिश हो रही थी तो हम रिहर्सल्स के लिए नहीं जा पाए, अब जाके थोड़ी बारिश रुकी है तो 7 बज चुकी है। हाँ तो अब मैं जाऊंगी रिहर्सल्स के लिए और एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एज यू कैन सी बिहाइंड मी। काफ़ी हेक्टिक रहा, इस वक्त 12:30 बज चुके हैं, ज़ियाना सो रही है इसलिए धीरे धीरे बात कर रही हूँ। सुबह 8 बजे कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आएंगे तो इस वक्त जल्द से चेंज करके सोना चाहिए। मैं रिहर्सल्स को शूट नहीं कर पाई क्योंकि यू नो इट्स नॉट अलाउड, वो नहीं चाहते कि यू नो शो पहले ही रिवील हो जाए, इसलिए वो मैंने शूट नहीं किया बिकॉज आई कुडंट शूट इट। लेकिन कल शो के क्लिप्स दिखाने की कोशिश करूँगी परफॉर्मेंस के। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। कल काफ़ी कुछ है, लॉन्ग डे है, यू नो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, गुड नाइट।